फर्स्ट न्यूज इंडिया, कोरोना का बढ़ता हुआ कहर। जी हाँ, खबर उत्तराखंड के जिला उत्तम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां एक बार फिर कोरोना कहर दिखाई पड़ रहा है। बीते दो दिन के अंदर 70 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके चलते दो टीमों का गठन किया गया है, जो कि घर घर जाकर परिवार वालों की जांच करेगी। बता दें कि बीते दो दिन के अंदर बालपुर में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बाहर से आने वाले 70 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के CMS डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि बालपुर दोराहा बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगातार बाहर से आने वालों की जाँच की जा रही है। बीते दो दिन में अब तक 70 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसमें कुछ बैंक कर्मी तथा पुलिस कर्मी भी है, जो कि हरिद्वार कुंभ से ड्यूटी कर वापस लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच हेतु दो टीमों का गठन किया गया है। उनके घर घर जाकर जांच हेतु परिवार के सैंपल लिए जा रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। देखिए बालपुर से मोहम्मद सैद की यह रिपोर्ट। 16 तारीख की रिपोर्ट है। इसमें कुछ बन्ना खेड़ा के हैं, कुछ सुल्तानपुर पट्टी के हैं, कुछ बैंक के कर्मचारी भी हैं, कुछ सूद कॉलोनी के हैं, कुछ मंडी के भी हैं। मतलब पूरे बाजपुर में ये फैले हुए हैं। मतलब लोग जो आए हैं काफ़ी मात्रा में निकल के आए हैं, तो हमने आज दो टीमें बनाई हैं। ये घर घर जाके जहाँ तक कोशिश करेंगे, घर घर जाके इनको हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, इनके घर वालों के सैंपल लें, इनको दवा दें और इनको 17 दिन के जो एहतियात है घर पर रखने की, उनको बताया जाएगा घर से बाहर ना निकले, ना इनके घर में कोई आए, और इनको दवा भी दी जाएगी।